हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइट प्रकाश, क्लास 12th का प्रकाश चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा समझिएगा। प्रकाश का अध्ययन जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं उसको प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। इस ब्रांच में हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में दो प्रकार से प्रकाश को माना जाता है। शुरुआत में जब न्यूटन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिनको कणिका सिद्धांत जो कहा जाता है, तो प्रकाश को एक तो दो ब्रांच में बांटा गया है। एक आपका रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स कहते हैं, थोड़ा इंग्लिश वर्डिंग्स मालूम होनी चाहिए आपको। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मतलब पहला जो है वो किरण प्रकाशिकी कहलाता है, यानी इसका मतलब होता है किरण प्रकाशिकी, मतलब लाइट को एक रे के फॉर्म में माना गया है कि लाइट एक रे की तरीके सीधे जाती है और जाके जहां टकराती है वहां अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स आपकी होती है तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। इसके बारे में शुरुआत में न्यूटन साहब ने बताया था, और न्यूटन के समय में ही, वैसे न्यूटन का कोई ऐसा नियम नहीं रहा जो न्यूटन के समय कोई उनको चैलेंज कर दे। उसी समय एक हाइगेंस साहब थे नीदरलैंड के, उन्होंने तरंग प्रकाश के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें हम जब रे ऑप्टिक्स में किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, एक तो प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, इसमें प्रकाश का परावर्तन समझाएंगे, इसको मान के चलते हैं रे ऑप्टिक्स में। प्रकाश का अपवर्तन रे ऑप्टिक्स के आधार पर समझाया गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस के बारे में, लेंस से अपवर्तन, ये सब जो समझाए गए, ये मान के चला गया इसमें कि जो लाइट है वो एक किरण के रूप में चलती है, रे के रूप में चलती है। ठीक है, और जो आपका तरंग सिद्धांत है उसमें व्यतिकरण समझाया गया, व्यतिकरण अभी आगे पढ़ाया जाएगा आपको, विवर्तन समझाया गया और ध्रुवण समझाया गया। यानी प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, आगे हम पढ़ाएंगे, इसको तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट को वेव के फॉर्म में माना जाए। अगर लाइट को रे के फॉर्म में मानेंगे तो ये परावर्तन अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, लेंस से अपवर्तन, ठीक है, प्रकाशिकी यंत्र जो भी आप टेलीस्कोप वगैरह होते हैं ये समझाएगा। ठीक है, प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। जब हमारी आंख पे गिरता है प्रकाश तो हमें साइट ऑफ सेंसेशन ऑफ साइट, यानी किसी भी चीज, कोई चीज हमको दिखती है। ठीक है, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, ये थ्योरी थ्योरी हम बता रहे हैं, वैसे आती नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, एक अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनका अपने का खुद का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य है, जितने भी तारे हैं, जलता हुआ बल्ब है, जलती हुई कैंडल है, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, कोई दूसरे माध्यम से उस प्रकाश गिरता है और उसकी सहायता से वस्तु दिखाई पड़ती है, ये अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अब कुछ बातें जरा कर लेते हैं, चिंता न करिए, इधर हम पॉइंट्स नोट करके रखते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन होता कैसे। प्रकाश का परावर्तन, पहली चीज है प्रकाश का परावर्तन, ये बहुत क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, ये चिकना पृष्ठ है, एक्चुअली में कांच हम ले लेते हैं, उसके पीछे सिल्वर की पॉलिश हो जाती है और एक रेड ऑक्साइड होती है उसका लेप किया जाता है। ठीक है, तो ये एक समतल दर्पण है, इस पर कोई प्रकाश किरण गिरती है, एओ प्रकाश किरण गिरी, ये ओ बिंदु है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं,
और यहां पर ये अभिलंब है OM। अभिलंब का मतलब होता है इस सरफेस के लंबवत O बिंदु पे खींचा गया है और ये लाइट उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित प्रकाश। यानी जो AO है वो आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा, आपको लगेगा कि तो सो आता है, ठीक अच्छी बात है। और OB जो है वो परावर्तित परावर्तित प्रकाश किरण है और OM जो है वो अभिलंब है, अभिलंब है, और जो बिंदु O है ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है, ठीक है। ये जो आपतित किरण है वो अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं और इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। यानी एंगल I जो है वो कौन सा कोण है, आपतन कोण है, और जो एंगल R है वो परावर्तन कोण है, ठीक है। तो ये तो होता है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के दो नियम होते हैं, नंबर एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। जरा ध्यान से समझिएगा, अभिलंब वर्ड यूज किया है, अभिलंब तो कहीं भी खींच सकते हैं आप ऐसे, लेकिन नहीं, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये तो आपका हो गया परावर्तन का नियम जो होता है, ठीक है, दो नियम बताए गए हैं। अब जरा प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8, 9, 10 तो सब में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन चूंकि यहीं से स्टार्ट इस लेवल इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज, देखिए प्रतिबिंब का मतलब होता है कि आपतित किरण जब किसी सरफेस पे गिरी और परावर्तित होकर के कहीं पर जाके मिली, अगर कोई भी दो किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में प्रतिक्षेपित कर रही है, जब कोई डायग्राम बनाएंगे तो समझाएंगे, वास्तव में प्रतिक्षेपित कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब यहां बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब को किसी पर्दे में देखा जा सकता है, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और अगर कोई दो प्रकाश किरणें कहीं मिल नहीं रही है, आगे बढ़ाने पर अपने आप हम उसको मिला रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वहां पर जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल में बनता है, उसको हम पर्दे पे नहीं दे सकते, हाँ उसकी फोटो ले सकते हैं, जो फोटोग्राफ आप बनाते हैं वो लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रतिबिंब, दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वहां समझ में अपने आप आ जाएगा, जहां दो किरणें वास्तव में मिलेंगी तो हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगे नहीं हम खींच के मिलाएंगे, जबरदस्ती मिलाएंगे, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट हम बता रहे हैं। दर्पण, देखिए दर्पण एक्चुअल में तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, किसी एक कांच का एक टुकड़ा समतल ले लिया हमने और उसके एक साइड हमने क्या किया, सिल्वर पॉलिश कर दी, उसके बाद लोहे की रेड ऑक्साइड लगा दी, ये समतल दर्पण हो गया। इसमें परावर्तन कैसे होता है, लाइट गिरती है, अभी हम बना चुके हैं AO, यहां पर अभिलंब होता है OM और उसी कोण पर ये चली जाती है O, जिस कोण पे गिरी I और ये R, दोनों कोण समान, ये परावर्तन के नियम का पालन करता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप घर में कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण, दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। अब आपने क्या किया, कांच का एक खोखला गुलाब के पास, जैसे कांच की वो कोई चीज ले लीजिए, खोखला है वो, ठीक है, बल्ब जैसे वैसे खोखला गोला है, उसको बीच से काट दीजिए, कहीं से काट दीजिए। काटने के बाद माने ये हमने काटा, ऐसे काटा, ये ऐसे गोला था, इसको दो भागों काट दिया, तो एक भाग हमने ऐसे बनाया, तो अगर इसके जो उभरा हुआ भाग है इसको पॉलिश कर देते हैं और अंदर का धसा हुआ भाग परावर्तन करता है तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। और अगर हम इस प्रकार से
जो उभरा हुआ भाग नहीं अंदर के भाग में पॉलिश कर देते हैं, और परावर्तन उभरे हुए भाग में होता है, किसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लेंस अलग होगा, ये उत्तल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो ये तीन प्रकार के दर्पण है, वैसे तो दो प्रकार के दर्पण है, एक आपका समतल है, एक गोली दर्पण। इस गोली दर्पण के दो भाग हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए भाग पे हम पॉलिश करते हैं, और जो धंसा हुआ भाग होता है अंदर उससे रिफ्लेक्शन होता है, उससे परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर के भाग को हम पॉलिश करते हैं और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। तो ये तीन प्रकार के मेन दर्पण होते हैं, ठीक है। अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ यहां पर परिभाषाएं हैं, उन्हें समझ लीजिएगा। परिभाषाओं को जब ध्यान सुनिएगा, चूंकि यहां दो दर्पण हैं, इनका अलग अलग नेचर है, ठीक है, तो अलग अलग इनका करेक्टर होगा, अलग अलग डेफिनेशन की होगी, ठीक है। देखिए अगला है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली है, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू दिस मिरर्स। देखिए पहले तो बना लेते हैं उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का। ये अवतल दर्पण हमने बनाया है, ये अवतल दर्पण बनाया है, और ये हमने उत्तल दर्पण बनाया है, ठीक है। थोड़ा बड़े बन गए हैं, एक तो हम राइटिंग मेरी गंदी है, समझ लीजिएगा, आप राइटिंग पे ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, हम जो कंटेंट दे रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये दो दर्पण हमने बनाए, इसका ऊपर का भाग पॉलिश किया हमने, और इसका अंदर का भाग हमने पॉलिश किया। इसका नाम दे दो एम एम एन, और इसका भी नाम एम एन दे दो, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु है, इसका नाम दे दो पी, इसका नाम दे दो पी। तो सबसे पहली चीज आती है दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का समय चलेगा केवल मेन पॉइंट हमने के ध्रुव क्या होता है। देखिए जो इसका परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। यानी यहां पर P क्या है, इसका ध्रुव है। अगला पॉइंट है वक्र का केंद्र, वक्र का केंद्र। ये जो दर्पण आपने लिया होगा, कहीं से काटा होगा आपने भाई, आपने एक गोला से लिया होगा, उससे काट के इसको बनाया होगा ना। तो ये दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं, जिसका पार्ट होते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, ये इसका कहीं केंद्र आया होगा, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये इधर केंद्र इधर होगा, इसका केंद्र इधर की ओर होगा। तो यहां पर वक्रता केंद्र क्या यहां पर है, सी वक्रता केंद्र है। यानी दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। जो हम बोल रहे हैं डेफिनेशन लगभग ऐसे लिख सकते हैं, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यहां से लेकर के ये जो दूरी होती है, P से लेकर के C की दूरी है, यानी जो PC है, जिसको हम इक्वल टू कैपिटल R लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। देखिए P से C की दूरी तो वक्रता केंद्र कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, लेकिन ये जो लाइन होती है, इसको आप मुख्य अक्ष कहते हैं। ये पूरी लाइन अगर खींच दे आप बार, तो ये कहलाती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, हमने रेखाखंड नहीं बोला, रेखाखंड नहीं, रेखा का मतलब होता है उसको आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अगला है अभिलंब, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है अभिलंब। देखो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब मतलब लंबवत, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी गोले में, किसी भी गोले में अगर केंद्र से उसके सर्कमफ्रेंस पर, उसकी परिधि पे कोई भी लाइन मिलाओगे, तो ये उससे लगभग 90 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। तो इसकी कोई भी लाइन इसके दर्पण से अगर इसके केंद्र को मिला दी जाए, तो यह अभिलंब कहलाएगा।
अभिलंब जो भी इस पर खींचा जाएगा, मतलब इस पर कहीं भी अभिलंब खींचोगे वो हमेशा केंद्र से होकर के जाएगा। यानी हम कह सकते हैं दर्पण के किसी बिंदु से, दर्पण के किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अभिलंब कहलाती है। ठीक है, अगला द्वारक। जैसे कभी पढ़ते होंगे कि ये बड़े द्वारक का दर्पण होना चाहिए। एक्चुअली ये जो द्वारक होता है ये एम से एन का ये जो ये चीज है ये द्वारक है, ये एम और एन ये द्वारक है। तो अगला है द्वारक। द्वारक ये एम एन जो भाग है आपका इसको हम द्वारक कहते हैं। ये जितना बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, दर्पण जितना बड़ा लोगे उसका द्वारक उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, अब बहुत मेन चीज है, जरा समझिएगा। चूंकि हमने जैसा बताया कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, सॉरी दर्पण, इनके लिए डेफिनेशन अलग अलग होंगी। क्या जाता है मुख्य फोकस। आप फोकस के लिए, क्योंकि एक ही फोकस इसमें होता है, दर्पण का फोकस या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं मुख्य फोकस। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये इधर का भाग इसका पॉलिश्ड है, ये इसका मुख्य अक्ष है, कहां से ऊपर जा रहा है, पी से और सी से, पी से और सी से, पी और सी के बीच दूरी हमने क्या बताई, वक्रता त्रिज्या, ये मुख्य अक्ष है। कोई भी लाइट रे, कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर जाती है, हमेशा, ये नियम है। ठीक है, इस प्रकार से परावर्तन हुआ है, ये लाइट इधर आई है, ऐसे ये परावर्तन हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर जाती हैं, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण का हो गया। जरा उत्तल दर्पण में समझिएगा, ये उत्तल दर्पण में आप उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, ये इधर पॉलिश किए आपने इस प्रकार से, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये पोल है, ध्रुव है। अब यहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हो रही हैं। देखिए ध्यान से, अब ये वाला जो इसका पार्ट है वो चिकना पार्ट है। अब सिंपल सी बात है, लाइट रे इसको तो पार नहीं कर सकती, तो वो क्या होती है, वो इस प्रकार से परावर्तन हो जाता है, ऐसे ऐसे परावर्तन होता है। अब यहां आप बैठे हुए हैं, आप ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि आप टेढ़ा नहीं देख सकते। अगर टेढ़ा हम देख लेते, अगर हमको ऐसा नेचर भगवान ने दे दिया होता तो बड़ा दिक्कत होती। क्या दिक्कत होती, एक सेकंड, क्या दिक्कत होती कि भाई हम यहां से देखते अपने दरवाजे में, ऐसे देखते हुए रोड पे जाते, उधर जाते, सड़क पे जाते, पहुंच जाते दूसरे जगह, तो हम ऐसे नहीं देख सकते। तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि लाइट रे यहां से कहीं से निकल रही होगी, इस प्रकार से ये निकल रही होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। देखिए अभी बताया था जब आवासीय प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा यहां पर एक होगा प्रतीत होती है, हमको लग रहा है यहां से लाइट निकल रही, निकल नहीं रही है। ठीक है, तो इसको हम इसका मुख्य फोकस कहते हैं। और पोल से जो इसकी दूरी होती है उसको हम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हो गया आपका मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी क्या होती है। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, इसको संबंध आगे प्रूफ कराया जाए, कराया जाएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको हमने काहे से इंडिकेट किया था, कैपिटल आर से, और फोकस दूरी। अब देखो चूंकि यहां एक ही फोकस होता है तो मुख्य बोलो या केवल फोकस दूरी करिए, इसको एफ से लिखते हैं, में संबंध, में संबंध। जो फोकस दूरी होती है, दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, उस पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसको आप ड्राइव करके देखेंगे। तो ये आपका मेन कंसेप्ट है। एक होता है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, देखिए ये फोकस होता है,
ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये दर्पण है। कोई भी तल मुख्य अक्ष के लंबवत इस प्रकार से अगर फोकस पर रखा जाए तो उसको हम फोकस तल कहते हैं। तो ये आपका इस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल जैसे कोई पिक्चर स्टार्ट होती है ना, बैकग्राउंड उसमें म्यूजिक बजता है, घोड़े दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो एक आइडिया लगती है कि इस पिक्चर में घोड़े होंगे। ठीक है, और एकदम नदी में कूद जाते हैं, ट्रेन दिखाई पड़ती है, इस प्रकार से वो एक फंडामेंटल आपको बताया जा रहा है। अभी मेन पिक्चर बाकी है। ठीक है, अब यहां पर दर्पण से दूरियां कैसे नापी जाएंगी ये बात करेंगे। देखो, प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा, हमने बताया था प्रतिबिंब बनने के लिए जरूरी है कि दो किरणें कहीं पर कटनी चाहिए या कटती हुई प्रतीत होनी चाहिए, या तो कटे या तो लगे यहां पर वो कट रही है। तो उसके लिए कुछ नियम है। ठीक है, लाइट रेज बहुत सारी होंगी, वहां पर गिरेंगी, परावर्तन होगा, बहुत होगा, लेकिन हम उनमें से कुछ ऐसी लाइट रे निकालेंगे जिनके परावर्तन के बारे में हमको जानकारी पहले से है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले समझ लीजिएगा, कुछ पॉइंट समझ लीजिएगा, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। हमने बताया कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश तरंगे कहीं पर कट होनी चाहिए, प्रकाश किरणें कट करनी चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिनका परावर्तन आपको मालूम होना चाहिए। नंबर एक, अगर कोई प्रकाश किरण, मैं चूंकि यहां उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए एक साथ डेफिनेशन लेनी है और दोनों के अलग अलग नेचर है, तो अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के फोकस से होकर जाती है या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला पॉइंट कैसे, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इधर ये पॉलिश्ड है, इधर ये इसका इधर पॉलिश्ड है। ठीक है, बार बार डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ये मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका पोल है, इसका ये पोल है, इसका ये फोकस है, इसका ये फोकस है। ठीक है, क्या कहा गया, अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के फोकस से होकर जाती है, जैसे मान ले यहां से प्रकाश किरण गई फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे ऐसे वापस चली जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, फोकस की ओर जा रही है, अगर दर्पण न होता तो ये प्रकाश किरण फोकस पे पहुंच जाती या पहुंच जाती, लेकिन प्रकाश बीच में दर्पण आ गया, ये रोक देगा, तो ये यहीं पे आके रुक जाएगा और इसका परावर्तन हो जाएगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या बताया गया, अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के फोकस से होकर जाती है या फोकस की ओर जाती प्रतीत होती है, जानी नहीं है, अगर दर्पण को हटा लीजिए तो ये पहुंच जाएगी यहां, लेकिन दर्पण को रख दिया तो हमको लगेगा कि यहां पर आकृति मिल ही रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहला परावर्तन का नियम मुझे मालूम है। ठीक है, नंबर दो, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। अभी बता चुके हैं कि माने अगर कोई प्रकाश किरण ये अवतल दर्पण है इस प्रकार से, नंबर दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, और ये उत्तल दर्पण है इस प्रकार से, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने क्या कहा, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गिरती है, मैं एक किरण दिखा रहा हूं, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या यहां तो वापस चली जाएगी, वो हमको लगेगा ये यहां से निकल रही है या निकलती हुई प्रतीत होती है, ये दूसरा पॉइंट है, यानी इसको हम जानते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमें जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होती है, जैसे माने ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस होता है आधी दूरी पे, यहां पे एक लाइट रे वक्रता केंद्र से गई या अब यहां तो जा नहीं पाएगी वक्रता केंद्र की तरफ, लेकिन हमको लगेगा ये यहां पर जा रही है, ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है,
अगर ये दर्पण ना होता, यहां इधर पॉलिश है अंदर की तरफ, इसमें इधर पॉलिश है, अगर दर्पण ना होता तो चली जाती। तो अजरा देखिए, परावर्तन में आप पढ़ चुके हैं कि अगर अवलंबवत कोई प्रकाश किरण गिर रही है तो उसी रास्ते वापस लौट जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर आप उसके वक्रता केंद्र से मिला दे तो अविलंबित होता है, यानी यह प्रकाश किरण उसी रास्ते वापस लौट जाती है। ठीक है, तो तीन प्रकार की किरणों के परावर्तन के बारे में हमको जानकारी पहले से है। पहला कि अगर फोकस से होकर जाएगा, वैसे मैं सब डायग्राम बना देता हूं, फोकस से होकर जाएगी कोई प्रकाश किरण तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी तो इसके पैरेलल हो जाएगी। दूसरा, अगर कहीं पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर भी जाएगी, पैरेलल जा रही है इस प्रकार से तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी ऐसे। और तीसरा, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम दो तीन रेज ऐसी मालूम होनी चाहिए जिसके परावर्तन के बारे में आपको पहले से जानकारी हो, क्योंकि लाइट रेज बहुत सारी चलती है उससे। ठीक है, तो ये तीन नियम है। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई कहां पर किसी का हम वस्तु रखें उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, अब इसके अलग अलग केसेस हैं। और एक चीज, जो प्रतिबिंब बनाने के नियम बनाए गए हैं वैज्ञानिकों ने, वहां पर रखे ऑब्जेक्ट और रख करके उन्होंने बताए कि ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ये भाई लाइट रे तो आप खींचते हो, उधर मोड़ दो, यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, हमारे हाथ में है। जी नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर बताया, नहीं ऐसा होता है, उसी आधार में हम इसको पढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब के नियम कुछ देख लीजिएगा, उसको कुछ याद कर लीजिएगा। अब अगला टॉपिक आपका है कि दर्पण की, अभी हमने कहा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अगला पॉइंट है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, लिख लो इसका, वक्रता त्रिज्या जिसको कैपिटल आर कहते हैं तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी एफ में संबंध, में संबंध निकाले जा रहे हैं। एक अवतल दर्पण के लिए निकालेंगे और एक उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे, क्योंकि दर्पणों के जो रिफ्लेक्शन होते हैं, नियम होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, थोड़ा इजी पड़ता है। देखिए जरा, जैसा आप बोल रहे हैं लैंग्वेज वैसे ही आप लिखते जाएंगे, तो लैंग्वेज हमको नहीं लिखनी पड़ेगी, जरा समझिएगा, ये ढेरी डाल लीजिएगा। देखिए, ये एक अवतल दर्पण, हम कहेंगे माना एस पी एस डैश एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण है तो यानी यहां पर इसको पॉलिश किया गया होगा, एस पी एस डैश एक अवतल दर्पण है। अब चूंकि आपको यहां पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना है, एक प्रकाश किरण ए बी, एक प्रकाश किरण ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। देखिए, जैसे वो बी बिंदु पे गिरेगी यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे, और हमने कहा था कि दर्पण के किसी भी बिंदु से खींचा गया अभिलंब कहां से होकर जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है। इस प्रकार से हम वक्रता केंद्र से होकर इसको मिला देंगे, यानी बीसी क्या है, ये हो गया अभिलंब, और अभिलंब से आपतित किरण जो कोण आती है उसको कहते हैं कोण आई, आपतन कोण। ठीक है, अब इसका परावर्तन होना है, तो परावर्तित किरण कहां से होकर जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी, एफ से होकर की जाएगी, और ये हो गया कोण आर। डायग्राम समझ में आ गया, माना एसपीएस डेस एक अवतल दर्पण है, इस पर ए बी एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और बीएफ डायरेक्शन में वो परावर्तित होती है। और कुछ कहानी नहीं लिखेंगे, खींचा वो खींचा वो सब दिख रहा है आपको। ठीक है, अब जरा समझिएगा, कोण ए बी सी और सी बी एफ, कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण सी बी एफ इज इक्वल टू आर, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि ये हमारा परावर्तन का नियम कहता है, परावर्तन का
ये नियम कहता है कि कोण I इज इक्वल टू कोण R है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये कोण किसके बराबर होगा? ये कोण भी I होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर किरणें हैं, ठीक है, और दो समांतर किरणों को कोई भी तिरक रेखा अगर काटती है तो ये कोण कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। यानी कोण बी सी एफ की जो वैल्यू है, बी सी एफ की जो वैल्यू है वो भी कोण आई के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब जरा इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी में देखिए इस त्रिभुज में दोनों कोण बराबर है, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। और आप जानते हैं त्रिभुज का नियम होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। अतः कोण आई के सामने कौन है? एफ बी है। एफ बी इज इक्वल टू कोण आर के सामने कौन है? सी एफ। अब प्रॉब्लम यहां पर देखिए आप, थोड़ा सा फिजिक्स यहां पर थोड़ा लीनियंट हो जाती है। ये कह रहा है बी जो है पी के बहुत नजदीक है, इसका द्वारक बहुत छोटा है, तो एफ बी को एफ पी लिख सकते हैं बस। यानी कि दर्पण का द्वारक अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अतः एफ बी को लिख सकते हैं एफ पी। क्यों? क्योंकि दूरी हमेशा कहां से नापी जाती है? वो P से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। तो B पॉइंट जो है बहुत नजदीक इस P के, इसलिए मान लिया गया, ठीक है। आगे देखिए, अतः तो FB को लिख दिया FP, FP बराबर CF। अब चूंकि दूरी तो P से नापनी है और CF कोई दूरी तो है नहीं, तो CF को अगर मैं इस दूरी में से ये वाली दूरी हटा दूं तो CF मिल जाएगा। एफ पी तो लिखा रहने दो, सी एफ को कह सकते हैं पीसी माइनस एफ पी। इस पीसी दूरी में से एफ पी हमने माइनस कर दिया, क्या मिल जाएगा? सी एफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इस एफ पी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये इधर आएगा, क्या आएगा? टू एफ पी इज इक्वल टू पीसी, एफ पी इज इक्वल टू पीसी बाई टू। एफ पी क्या है? फोकस दूरी है एफ, और PC क्या है? वक्रता त्रिज्या है। F इज इक्वल टू आर बाई टू। तो ये अवतल दर्पण में F और R में रिलेशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण समझिएगा, अब लिखेंगे उत्तल दर्पण में F और R में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में F और R में संबंध, आधी लैंग्वेज से सीख रहे, समझिएगा। ये उत्तल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये आपका पोल है, ध्रुव है, ये इधर का पार्ट इसका पॉलिश्ड है। एक प्रकाश किरण यहां पर समांतर एबी जो है इसके समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है और ये इसका अभिलंब है, ये इसका अभिलंब है। समझ में आ जाएगा? देखिए अभिलंब से आपतित किरण जो कोण आएगी वो आई होगा और जो परावर्तित आएगी वो आर होगा, ठीक है। अब जरा सावधान, एंगल आई बराबर, लैंग्वेज वही लिखेंगे पहले वाली, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर परावर्तन के नियम से। अब जरा देखिए ये दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं, समांतर हैं और ये इसकी तिरक रेखा काट रही है, देख रही है? तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण है। अब देखिए ये वाली रेखा सीधे आपने ऐसे खींची कहां से? एफ से, और ये वाली रेखा आपने यहां से खींची है। ये दो रेखाएं हैं, जरा समझिएगा, ये दो रेखाएं हैं, ऐसे यहां आके वैसे कट गई। तो दो रेखाएं जब ऐसे कट जाती हैं तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़े हैं, तो ये कोण भी आर होगा। तो यानी कि अगर हम त्रिभुज बी एफ सी ले लें, बी एफ सी में, तो आप कह रहे हो कोण आई बराबर कोण आर, बिल्कुल सेम लैंग्वेज पहले वाली की है। तो अब इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। कोण आई के सामने कौन है? एफ बी है।
कोण आज सामने कौन है, एफ सी है, वही बात बी पॉइंट को पी के नजदीक। तो आप लिखेंगे यदि दर्पण का यदि लिखो चूंकि लिखो चूंकि दर्पण का द्वारक अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अतः एफ बी कैन बी रिटन एज एफ बी, एफ बी को एफ बी लिख सकते हैं। यहां से देखो अतः समीकरण एक से, अतः समीकरण एक से एफ बी को क्या लिखेंगे, एफ पी, एफ पी इज इक्वल टू एफ सी। अब एफ सी कोई दूरी तो है नहीं, वही बात, तो हम क्या करेंगे पीसी में से एफ बी एफ पी मार्क कर देंगे। तो एफ पी लिखा रहे तो, क्योंकि ये एफ पी जो है पी से नापी जा रही है, हमने क्या कहा था कि दूरी पी से नापी जाएगी। एफ सी को क्या लिखेंगे पीसी में से पीएफ माइनस कर दो, पीएफ एफ पी बाद में, इसको इधर ले आओ, तो टू एफ पी इज इक्वल टू पीसी, इसके बाद यहां लिख लो, तो एफ पी इज इक्वल टू पीसी बाई टू, यानी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। तो इस प्रकार से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका कुछ मेन कंसेप्ट है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।